नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडियन न्यूज़ के अंदर। दोस्तों, लेकर आज के पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 की एक और बड़ी अपडेट आप सभी के लिए यहां पर हाजिर हैं। दोस्तों, यहां पर बात करने वाले हैं नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में अधिक युवाओं को दिए जाएंगे टिकट। दोस्तों, यहां पर किटकैट से नेता बने सिद्धू ने किसी का नाम लिए बिना आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि वे पार्टी में शामिल करने के लिए उनके पीछे पड़े थे। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान पिछले चुनाव की तुलना में युवाओं को टिकट दिए जाएंगे। सिद्धू ने पिछली शिरोमणि अकाली दल बीजेपी सरकार पर पंजाब में माफियों का प्लान का आरोप भी लगाया था। दोस्तों, इस अपडेट को आगे जानेंगे, उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। दोस्तों, ऐसे में आपको विधानसभा चुनाव 2022 से संबंधित तमाम जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी और आप हर एक अपडेट से आगे रहेंगे। और वीडियो को एक छोटा सा लाइक नहीं किया तो अभी कभी छोटा सा लाइक भी कर दें। वही दोस्तों, जानते हैं यहाँ पर आगे की अपडेट। यहाँ पर क्रिकेटर से बने नेता सिद्धू ने किसी का नाम लिए बिना आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि वह पार्टी में शामिल करने के लिए उनके पीछे पड़े थे। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नियुक्त प्रमुख सिद्धू कांग्रेस भवन में राज्य की युवा कांग्रेस इकाई को संबोधित कर रहे थे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवा कांग्रेस मोर्चे पर भी निकला। सभा को संबोधित करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने युवाओं से वादा किया है कि वे युवा का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि युवाओं को अवसर मिले। उन्होंने घोषणा की युवाओं को पहले की तुलना में डेढ़ गुना अधिक टिकट मिले। नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी पर नाम लिए बिना दावा किया कि आम आदमी पार्टी में शामिल करने के लिए पिछले मेरे पीछे पड़े थे। आम आदमी अपने मेरे घर आकर कहा था कि सिद्धू साहब, हमें आपके लिए क्या कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप देख ही पा रहे हैं कि सिद्धू पाजी लगातार कुछ नया से नया करते जा रहे हैं और यहाँ पर युवाओं को टिकट देते हैं तो कहीं ना कहीं सिद्धू पाजी एक युवक के तौर पर सामने उभर कर आ सकते हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी उम्मीद जता सकती है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जो युवाओं को देने का टिकट जो है, यहाँ पर कहीं अच्छा साबित भी हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर युवाओं ने जो हड़ताल की थी, यहाँ पर हुआ युवा भी जब हड़ताल पर आ चुके थे तो यहाँ पर सिद्धू पाजी ने उनको मनाया और कहा कि हम अब डेढ़ गुना ज्यादा युवाओं को टिकट देंगे। जबकि दोस्तों, पिछली बार डेढ़ गुना नहीं, सिर्फ कुछ ही युवाओं को टिकट मिली थी और कुछ ही युवाओं ने अपनी सरकार बनाने का फैसला थामा था। पर दोस्तों, यहाँ पर इस बार काफी ज्यादा युवा आ चुके हैं और यहाँ पर युवा सरकार बंदों ने जो कहा कि यहाँ पर अपनी सरकार बनाने के लिए कहा कि हमें टिकट दें और हम अपने टिकट के दम पर चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं सिद्धू पाजी ने उनकी बात को समझा और उनको कहा कि हम आपको युवाओं को टिकट दिलाने की कुछ न कुछ अलग से घोषणा की है। तो दोस्तों, आखिरकार देखते हैं कि डेढ़ गुना युवाओं को टिकट दिलाने का जो यहाँ पर वादा कर रहे हैं, क्या कर पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। पर दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले। दोस्तों, ऐसे में आपको पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 से संबंधित तमाम जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी और आप हर एक अपडेट से आगे रहेंगे। मिलता है अगले वीडियो में, तो ले जाइए। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कभी लाइक भी कर दें।